गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आर लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड रीडिंग सेक्शन ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर टू राइट टुडे वी आर गोइंग टू डू ग्रैमर पार्ट ऑफ पार्ट ए सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट क्वेश्चन इज री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन सेंटेंस इज डोंट लाफ एट बेगर तो हमने यहाँ पंक्चुएशन चेक करेंगे डोंट लाफ एट बेगर तो डी कैपिटल है इसमें फुल स्टॉप देन डोंट में देन 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 नो फुल स्टॉप फुल स्टॉप तो हमने आपने कंप्लीटली चेक करना है पोस्ट्रॉफी भी हो और फुल स्टॉप भी हो कोई लेटर कैपिटल होने वाला वो भी होना चाहिए राइट सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रेज फॉर द पेशेंट रिकवर्ड तो पेशेंट रिकवर्ड इसके लिए कौन सी फ्रेज़ यूज़ हो सकती है आउट एंड आउट बाय एंड बाय नाउ एंड देन फॉर एन ईयर तो आप इन सब का मीनिंग अच्छे से क्लियर रखना कि इनका मीनिंग क्या होता है द पेशेंट रिकवर्ड बाय एंड बाय आएगा क्योंकि बाय एंड बाय मीन्स इन शॉर्ट टाइम कि जो पेशेंट है वो जल्दी ही रिकवर हो गया सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड पिक द करेक्टेड फ्र राज इज एंड डैश जेंटलमैन आउट एंड आउट आउट एंड आउट होता है कि बियॉन्ड एनी कंपेरिजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा कि जो राज है वो आउट एंड आउट जेंटल मैन है मीन्स इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फोर्थ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज आउट एंड आउट बिफोर लॉन्ग इन ऑल डायरेक्शंस रिपीटेडली बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन किसी भी कंपेरिजन से ऊपर है नेक्स्ट फिफ्थ पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज फॉर एंड नियर इसका मीनिंग क्या होता है रिपीटेडली टू फोर ऑफ प्लेसेस बिफोर लॉन्ग इन ऑल डायरेक्शन बिफोर लॉन्ग किसका मीनिंग था बाय एंड बाय का राइट रिपीटेडली अगेन एंड अगेन का एंड इन ऑल डायरेक्शंस मीन्स फॉर एंड नियर का है मीनिंग इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर ऑफ प्लेस किस का होगा टू फॉर ऑफ प्लेसिस फॉर एंड वाइड का राइट सिक्स चूज एन अदर वे ऑफ राइटिंग फॉलोइंग सेंटेंसेज सेंटेंस शी इज टू वीक टू रन फास्ट कि वो इतनी वीक है कि वो फास्ट रन नहीं कर सकती तेज भाग नहीं सकती तेज दौड़ नहीं सकती तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शी इज टू वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट सॉरी टू को रिमूव करके लिखेंगे सो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट तो नेगेटिव में आएगा लास्ट वाला सेंटेंस सो लेट्स चेक शी इज सो वीक दैट शी कैन रन फास्ट नो शी सो विक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट शी इज वीक एंड शी कैन नॉट रन फास्ट नन सो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट सेंटर में दैट आता है और यहाँ सो so आएगा एंड यहाँ कैन नॉट सो बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट सेवन चूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस द मूवी वॉज गुड तो ऑप्शन सात में गिवन है रियली तो रियली को हमने इसमें एडजस्ट करना है द मूवी वॉज रियली गुड द मूवी रियली वॉज गुड The movie was good really. None. So option A is the correct option. The movie was really good. Right? 8. Choose the proper form of following, sen following sentence. She has hurt any person. So option may never. She has hurt never any person. She never has hurt any person. So next is she has never hurt any person at all. So it's sentence kya aega? exactly. She

बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट टैंस द पियॉन डैश द बैल हमने इसमें यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी तो इज एम आर किसके साथ है इसके साथ वी वन मीन्स वर्क की फर्स्ट फॉर्म रिंग प्लस आई एन जी दियॉन इज रिंगिंग द बैल सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फाइन नाउ मूव टू पार्ट बी विच इज राइटिंग सेक्शन इट हैज टू पार्ट्स किया हुआ है इसको आप अच्छे से हाफ ऑफ करके थ्री थ्री फोर फोर लाइंस लर्न करके लिख सकते हो राइट सेवेंथ राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूलिंग सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है ये अभी हमने नहीं की थी सो वी विल अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन एंड देन यू विल लर्न एंड देन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक नंबर टू सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद आपने इसको लर्न करके अपनी नोटबुक नंबर टू में नोट डाउन करना है राइट सो टू द प्रिंसिपल बी एन एम एस एस स्कूल सेक्टर थर्टी सेवन ए चंडीगढ़ ये तो आपको पता ही है तो मैटर क्या है सब्जेक्ट कि किसके रिलेटेड है ये एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी बोलते हैं ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को उसके लिए एप्लीकेशन है रिस्पेक्टेड मैडम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ ए इन योर स्कूल तो आप ए ए1 जिस भी सेक्शन को बिलोंग करते हो वो मेंशन करोगे तो मैटर क्या है माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिमला कि मेरे फादर जो हैं उनकी ट्रांसफर हो है कहां शिमला वी आर ऑल्सो लिविंग दिस प्लेस टमोरो तो हम सब ही इस प्लेस को चंडीगढ़ को छोड़ के छोड़ के जा रहे हैं काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो कृपया मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाए आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस थैंकिंग यू ये लाइन्स तो जो हम सिंपल एप्लीकेशन में लिखते हैं वहीं है थैंकिंग यू यू आर फेथफुली और ओबीडियटली नेम क्लास क्लास के बाद आप लिखोगे यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे नेम क्लास रोल नंबर देन डेट राइट सो यू हैव टू लर्न दिस मैटर ओनली तो आपको ये टू थ्री लाइंस ही लर्न करनी है बाकी का सेम वैसे ही है जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं टू द प्रिंसिपल सेम है सब्जेक्ट चेंज होगा रिस्पेक्टेड मैडम सेम है लास्ट वाला सेम है तो आपको यही लाइंस लर्न करनी है राइट सो अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन

और वन वन क्वेश्चन का आंसर लर्न करके फिर नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो ये क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर में से है इलेवेंथ और ट्वेल्थ चैप्टर में से राइट right? फ्रेंड्स तो हमने ट्वेल्थ चैप्टर की वर्कशीट नहीं की हुई तो हम जो भी इस मॉडल टेस्ट पेपर में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू फाइन सो लर्न दीज क्वेश्चन केयरफुली एंड देन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक नंबर टू तो आपने सेवन के सेवन क्वेश्चन ही लर्न करने हैं उनको फिर नोटबुक में करोगे डू दिस पार्ट एज अ होमवर्क वर्क ऑल्सो राइट नाइन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट द स्टेशन मास्टर वॉज एडाम टू टेक डैश टू द सो द स्टेशन मास्टर मास्टर वॉज एडाम टू टेक पीटर टू द स्टेशन टू द पुलिस स्टेशन तो स्टेशन मास्टर पीटर को कहाँ लेके गया पुलिस स्टेशन सेकंड द ओल्ड लाइफ इन द विला बिगैन टू सीम ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम राइट तो वहां जो ओल्ड लाइफ थी विला में ऐसे लग रही थी जैसे किसी ड्रीम की तरह होती है ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कोलम्बस सेट द अर्थ इज राउंड कोलम्बस वॉज श्योर ऑफ सक्सेस आफ्टर टॉकिंग टू द चिल्ड्रन द स्टेशन मास्टर

यस yes. कोलंबस को था कि जो उसने डिटर्मिनेशन की है उसको वो कंप्लीट करेगा और तो किसी की भी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ही इज एन इंस्पिरेशन टू द सक्सीडिंग जनरेशन यस इट इज ट्रू फिफ्थ कोलम्बस वॉज रेकलेस एंड ब्लाइंडेड बाई एम्बिशन यस इट इज ट्रू ऑल्सो राइट नाउ नेक्स्ट इज वो कैबलरी पार्ट विच इज ऑफ टेन मार्क्स टूज वन वर्ड फॉर कैन नॉट बी अंडरस्टुड जिसको समझा नहीं जा सकता ओपैक्यू इलेजिबल हॉस्पिटेबल ट्रांसपेरेंट सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इलेजिबल सेन ऑब्जेक्ट थ्रू विद लाइट कैन पास थ्रू के वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट पास हो सकती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट राइट चूज साउंड ऑफ़ फायर फायर की साउंड क्या होती है क्रैकल्स रसल विसल रैटल सो क्रैकल साउंड होती है फायर की रसल लीव्स की रैटल ट्रेन की विसल स्टीम की फोर साउंड ऑफ ट्रेन ट्रेन की साउंड रैटल विसल क्लैप क्रीक तो कौन सी होती है रैटलिंग साउंड हमने ईवीएस में भी स्टडी की थी रेटलिंग साउंड ट्रेन की क्यों होती है विसल किसकी होती है स्टीम की क्लैप हैंड्स की क्रीक बूट्स की फिफ्थ चूज द करेक्ट वर्ड फॉर अ पेयर ऑफ तो अ पेयर ऑफ किसके लिए यूज़ किया जाता है सोप के लिए पेपर के लिए सॉक्स के लिए या ब्रेड के लिए तो अ पेयर ऑफ सॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है सिक्स अ वर्ड फॉर अ स्लाइस ऑफ डैश स्लाइस ऑफ किसके लिए यूज़ किया था सॉल्ट सॉल्ट पिंच होता है सोप केक केक ऑफ सॉप के लिए पेपर के लिए क्या यूज किया जाता है पेपर के लिए होता है अ पीस ऑफ पेपर राइट सो स्लाइस ब्रेड की होती है ब्रेड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड राइट सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन सेवन गिव मीनिंग ऑफ ऑनवर्ड तो ऑनवर्ड का मीनिंग बताना है हम बोलते हैं ना के फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड तो ऑनवर्ड का मीनिंग होता है गोइंग फॉरवर्ड रिक्वेस्ट नहीं होती गोइंग बैकवर्ड नहीं होता सो नहीं होता सो गोइंग फॉरवर्ड इज द मीनिंग ऑफ ऑनवर्ड सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन सेवंथ सॉरी एट्थ मीनिंग ऑफ कॉशियसली कॉशियस का मीनिंग क्या होता फेंट वेरी बैड कॉस्टली केयरफुली सो केयरफुल इज द करेक्ट ऑप्शन नाइंथ मीनिंग ऑफ फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग होता है डिम फेंट यस दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है मीन्स बी बोथ ए एंड सी एंड नाइन्थ बी इज द करेक्ट ऑप्शन टेन चूज मीनिंग ऑफ विग्ड विग्ड क्या होता है बुरा बहुत बुरा वेरी बैड वेरी गुड काइंड और जेंडर. सो वेरी बैड इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर सो दीज आर द क्वेश्चन अंडर टेंथ क्वेश्चन विच इज वोकेबलरी सेक्शन इट इज अंडर पार्ट बी राइट सो स्टूडेंट्स

तो एग्जाम में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन को अच्छे से आप अगर लर्न कर लोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं फाइन सो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू